दोस्तों आखिर टाइगर 3 में सलमान खान और कैटरीना कैफ और इमरान हाशमीन इन तीनों एक्टर ने आखिर कितनी करोड़ की फीस चार्ज की गई है। बस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। नंबर 1 रणवीर शोरे। रणवीर पहले भी टाइगर सीरीज में टाइगर के एल्डर के रोल में दिखाई दिए थे। अब की बार भी एक्टर को टाइगर की तीसरी रिश्त के लिए 50 लाख रुपए की फीस दी गई है। नंबर 2 रिद्धि डोंगरा। फिल्म जवान के बाद अब रिद्धि डोंगरा फिल्म टाइगर 3 में भी दिखाई देंगी। बता दें कि फिल्म के लिए एक्ट्रेस की फीस 30 लाख रुपए बताई जा रही है। नंबर 3 आशुतोष राणा। आशुतोष राणा को फिल्म पठान में कर्नल लुद्रा के रोल में देखा गया था। वही फिल्म टाइगर 3 में भी वही इसी रोल में दिखाई देंगे, जिसके लिए उन्हें 60 लाख रुपए की फीस दी गई है। नंबर 4 इमरान हाशमी। टाइगर 3 में इमरान हाशमी दमदार विलन के रोल में नजर आएंगे। एक मीडिया रिपोर्टर की माने तो एक्टर को 2.5 करोड़ रुपए की फीस चार्ज की गई है। नंबर 5 कैटरीना कैफ। पिछले टाइगर फिल्मों में कैटरीना कैफ ISI एजेक जिया के रोल में थी और इस बार भी वही उसे पावरफुल एक्शन अंदाज में दिखेंगी। इस फिल्म के लिए एक्टर को 10 करोड़ रुपए की फीस चार्ज की गई है। नंबर 6 सलमान खान। टाइगर 3 के लिए रॉक एजेंट अविनाश सिंह राठौर उर्फी टाइगर को 100 करोड़ रुपए की फीस दी गई है। इसके अलावा एक्टर इस फिल्म में प्रॉफिट शेयरिंग का भी हिस्सा होंगे। आपको बता दें कि सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 12 नवंबर 2023 को दिवाली के मौके पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्या आप भी सलमान खान के फैन हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना।